अध्याय 30 शिक्षा का विकास। कंपनी नियम के तहत भारत में अपने प्रभुत्व के पहले 60 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी, एक व्यापारिक और लाभ कमाने वाली कंपनी, ने शिक्षा के प्रचार में कोई दिलचस्पी नहीं ली। कुछ मामूली अपवाद व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रयास थे। कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारिन ने की थी। 1781 में मुस्लिम कानून और संबंधित के अध्ययन के लिए हेस्टिंग्स विषय डॉट संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में बनारस के निवासी जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलेस्ली द्वारा 1800 में कंपनी के सिविल सेवकों को भारतीयों की भाषाओं और रीति रिवाजों 1802 में बंद के प्रशिक्षण के लिए की गई थी। कलकत्ता मदरसा और संस्कृत कॉलेज को कंपनी के दरबार में कानून के प्रशासन में मदद करने के लिए योग्य भारतीयों की नियमित आपूर्ति प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था और शास्त्रीय भाषाओं और स्थानीय भाषाओं का ज्ञान भारतीय राज्यों के साथ पत्राचार में उपयोगी था। प्रबुद्ध भारतीयों और मिशनरियों ने आधुनिक धर्मनिरपेक्ष पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार पर दबाव डालना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि पश्चिमी शिक्षा देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बीमारियों का उपाय है। मिशनरियों ने सोचा कि आधुनिक शिक्षा भारतीयों के अपने धर्मों में विश्वास को नष्ट कर देगा और वे ईसाई धर्म अपनाएंगे। सेरामपुर मिशनरी विशेष रूप से शिक्षा के प्रसार को लेकर बहुत उत्साहित थे। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा एक विनम्र शुरुआत। 1813 के चार्टर अधिनियम में विद्वान भारतीयों को प्रोत्साहित करने और देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने के सिद्धांत को शामिल किया गया था। अधिनियम ने कंपनी को इस उद्देश्य के लिए सालाना 1,00,000 रुपए मंजूर करने का निर्देश दिया। हालांकि यह क्षुद्र राशि भी 1823 तक उपलब्ध नहीं कराई गई थी, मुख्यतः इस विवाद के कारण कि इस व्यय को किस दिशा में लिया जाना चाहिए। इस बीच राजा राममोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीयों के प्रयासों का फल मिला और 1817 में शिक्षित बंगालियों द्वारा स्थापित कलकत्ता कॉलेज के लिए एक अनुदान स्वीकृत किया गया, जो पश्चिमी मानविकी और विज्ञान में अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करता है। सरकार ने कलकत्ता, दिल्ली और आगरा में 3 संस्कृत कॉलेज भी स्थापित किए। ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट विवाद सार्वजनिक निर्देश पर सामान्य समिति के भीतर एंग्लिसिस्टों ने तर्क दिया कि शिक्षा पर सरकारी खर्च विशेष रूप से आधुनिक अध्ययन के लिए होना चाहिए। प्राच्यविदों ने कहा कि जहां पश्चिमी विज्ञान और साहित्य को छात्रों को नौकरी करने के लिए तैयार करने के लिए पढ़ाया जाना चाहिए, वहीं पारंपरिक भारतीय शिक्षा के विस्तार पर जोर दिया जाना चाहिए। यहाँ तक शिक्षा के माध्यम के सवाल पर अंग्रेज भी विभाजित थे। एक गुट अंग्रेजी भाषा के लिए माध्यम के रूप में था, जबकि दूसरा गुट इस उद्देश्य के लिए भारतीय भाषाओं, स्थानीय भाषा के लिए था। दुर्भाग्य से इस पर बहुत भ्रम था। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी और स्थानीय भाषाएं और अध्ययन की वस्तुओं के रूप में लॉर्ड मैकॉले के मिनट 1835 प्रसिद्ध लॉर्ड मैकॉले के मिनट ने एंग्लिसिस्टों के पक्ष में विवाद सुलझाया। सीमित सरकारी संसाधनों को पश्चिमी विज्ञान और साहित्य के शिक्षण के लिए समर्पित किया जाना था, केवल अंग्रेजी भाषा के माध्यम से। लॉर्ड मैकॉले का विचार था कि भारतीय शिक्षा यूरोपीय शिक्षा से हीन थी, जो कि समकालीन अवस्था में भौतिक और सामाजिक विज्ञान के संबंध में सही थी। सरकार ने जल्द ही अपने स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया और बड़ी संख्या में प्राथमिक स्कूलों के बजाय कुछ अंग्रेजी स्कूल और कॉलेज खोले, इस प्रकार जन शिक्षा की उपेक्षा की। अंग्रेजों ने उच्च और मध्यम वर्गों के एक छोटे से वर्ग को शिक्षित करने की योजना बनाई, इस प्रकार एक वर्ग रक्त और रंग में भारतीय लेकिन स्वाद, विचारों, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेजी का निर्माण किया,
जो सरकार और जनता के बीच दुभाषियों के रूप में कार्य करेगा और देशी भाषाओं को समृद्ध करें, जिससे पश्चिमी विज्ञान और साहित्य का ज्ञान जन जन तक पहुंचे। इसे अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत कहा गया। आधुनिक विचार, यदि शिक्षा नहीं तो शासकों द्वारा वांछित रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक दलों, प्रेस, पैम्फलेट, सार्वजनिक मंच आदि के माध्यम से जनता तक पहुंचे। आधुनिक शिक्षा ने केवल बुनियादी साहित्य उपलब्ध कराकर इस प्रक्रिया में मदद की। भौतिक और सामाजिक विज्ञान पर राष्ट्रवादियों को इस प्रकार सामाजिक विश्लेषण करने की उनकी क्षमता को उत्तेजित करना, अन्यथा आधुनिक शिक्षा की सामग्री, संरचना और पाठ्यक्रम ने औपनिवेशिक हितों की सेवा की। थॉमसन के प्रयास। एनडब्ल्यू प्रांतों के लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉमसन 1843-53 ने स्थानीय भाषाओं के माध्यम से ग्राम शिक्षा की एक व्यापक योजना विकसित की। इन गांवों के स्कूलों में उपयोगी विषय जैसे कि क्षेत्रमिति और कृषि विज्ञान पढ़ाया जाता था। इसका उद्देश्य नवगठित राजस्व एवं लोक निर्माण विभाग के कर्मियों को प्रशिक्षित करना था। वुड्स डिस्पैच 1854। 1854 में चार्ल्स वुड ने भारत के लिए एक शैक्षिकी प्रणाली पर एक डिस्पैच तैयार किया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना काटा माना जाता है। यह दस्तावेज भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए पहली व्यापक योजना थी। एक, इसने भारत सरकार से यह मानने को कहा, जनता की शिक्षा की जिम्मेदारी इस प्रकार अस्वीकार करना। अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत कम से कम कागज पर। दो, इसने नीचे के गांवों में स्थानीय भाषा के प्राथमिक विद्यालयों से पदानुक्रम को व्यवस्थित किया, उसके बाद एंग्लो वर्नाक्युलर हाई स्कूल और जिला स्तर पर एक संबद्ध कॉलेज और कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसी शहरों में संबद्ध विश्वविद्यालय। तीन, इसने शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, स्कूल स्तर पर उच्च अध्ययन और स्थानीय भाषाओं के लिए। चार, इसने महिला और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर। पाँच, यह निर्धारित किया गया कि सरकारी संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। छह, इसने के लिए सहायता अनुदान की एक प्रणाली की सिफारिश की, निजी उद्यम को प्रोत्साहित करें। घटनाक्रम 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और बाद में सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग स्थापित किए गए। बैथ्यून स्कूल की स्थापना जेईडी कलकत्ता में बैथ्यून 1849 महिलाओं की शिक्षा के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन का पहला फल था, जो 1840 और 1850 के दशक में उभरा। बैथ्यून शिक्षा परिषद के अध्यक्ष थे। ज्यादातर बैथ्यून के प्रयासों के कारण लड़कियों के स्कूलों को एक अच्छे स्तर पर स्थापित किया गया और सरकार के अनुदान सहायता और निरीक्षण प्रणाली के तहत लाया गया। पूसा बिहार में एक कृषि संस्थान और रुड़की में एक इंजीनियरिंग संस्थान शुरू किया गया। वुड्स डिस्पैच के आदर्श और तरीके 5 दशकों तक इस क्षेत्र पर हावी रहे, जिसने भारत में शिक्षा प्रणाली का तेजी से पश्चिमीकरण देखा, जिसमें यूरोपीय प्रधानाध्यापकों और प्रधानाचार्यों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान थे। मिशनरी उद्यमों ने अपनी भूमिका निभाई। धीरे धीरे निजी भारतीय प्रयास क्षेत्र में दिखाई देने लगे। क्राउन टेकओवर के बाद हंटर शिक्षा आयोग 1882-83 पहले की योजनाओं में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की उपेक्षा की गई थी। जब 1870 में शिक्षा को प्रांतों में स्थानांतरित कर दिया गया तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को और नुकसान हुआ, क्योंकि प्रांतों के पास पहले से ही सीमित संसाधन थे। 1882 में सरकार ने WW की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया कि प्रगति की समीक्षा करने के लिए हंटर। 1854 के डिस्पैच के बाद से देश में शिक्षा हंटर आयोग ने ज्यादातर अपनी सिफारिशों को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित रखा। आयोग आय
इस बात पर जोर दिया कि प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और सुधार के लिए राज्य की विशेष देखभाल की आवश्यकता है और प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा के माध्यम से प्रदान की जानी चाहिए। ई नए स्थापित जिला और नगर पालिका बोर्डों को प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण स्थानांतरित करने की सिफारिश की। ई सिफारिश की कि माध्यमिक हाई स्कूल शिक्षा के दो विभाग होने चाहिए। साहित्यिक विश्वविद्यालय तक अग्रणी व्यावसायिक करियर के लिए व्यावसायिक एवं महिला शिक्षा के लिए अपर्याप्त सुविधाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया, विशेष रूप से प्रेसिडेंसी शहरों के बाहर, और इसके प्रसार के लिए सिफारिशें की। अगले दो दशकों में भारतीयों की भागीदारी के साथ माध्यमिक और कॉलेजिएट शिक्षा का तेजी से विकास और विस्तार देखा गया। साथ ही पंजाब विश्वविद्यालय 1882 और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 जैसे अधिक शिक्षण सह परीक्षा विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 20वीं सदी की शुरुआत में राजनीतिक अशांति देखी गई। आधिकारिक दृष्टिकोण यह था कि निजी प्रबंधन के तहत शिक्षा की गुणवत्ता खराब हो गई थी और शैक्षणिक संस्थान राजनीतिक क्रांतिकारियों को पैदा करने वाले कारखानों के रूप में काम करते थे। राष्ट्रवादियों ने गुणवत्ता में गिरावट को स्वीकार किया, लेकिन सरकार पर निरक्षरता को मिटाने के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया। 1902 में रेले आयोग की स्थापना भारत में विश्वविद्यालयों की स्थितियों और संभावनाओं में जाने और उनके संविधान और कामकाज में सुधार के उपायों का सुझाव देने के लिए की गई थी। आयोग ने प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा पर रिपोर्टिंग करने से रोक दिया। इसकी सिफारिशों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया था। 1904 अधिनियम के अनुसार आई विश्वविद्यालयों को अध्ययन पर अधिक ध्यान देना था और अनुसंधान ई एक विश्वविद्यालय के अध्येताओं की संख्या और उनके कार्यकाल की अवधि कम कर दी गई और अधिकांश अध्येताओं को सरकार द्वारा नामित किया जाना था। ई सरकार को विश्वविद्यालयों के सीनेट विनियमों को वीटो करने की शक्तियां प्राप्त करनी थी और वह इन विनियमों में संशोधन कर सकती थी या अपने आप विनियम पारित कर सकती थी। इफ निजी कॉलेजों की मान्यता के लिए शर्तों को सख्त बनाया जाना था और वी 5,00,000 रुपए प्रतिवर्ष स्वीकृत किए जाने थे। उच्च शिक्षा में सुधार के लिए 5 साल के लिए और विश्वविद्यालय कर्जन ने गुणवत्ता और दक्षता के नाम पर विश्वविद्यालयों पर अधिक नियंत्रण को उचित ठहराया, लेकिन वास्तव में शिक्षा को प्रतिबंधित करने और सरकार के प्रति वफादारी के प्रति शिक्षितों को अनुशासित करने की मांग की। राष्ट्रवादियों ने इसे मजबूत करने के प्रयास में देखा साम्राज्यवाद और राष्ट्रवादी भावनाओं को तोड़फोड़ करने के लिए गोखले इसने प्रतिगामी उपाय कहा। शिक्षा नीति पर सरकार का संकल्प 1913-1906 में बड़ौदा के प्रगतिशील राज्य ने अपने पूरे प्रदेश में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की। राष्ट्रीय नेताओं ने सरकार से ब्रिटिश भारत के लिए ऐसा करने का आग्रह किया। गोखले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में 1910 के अपने प्रस्ताव में इस मुद्दे को उठाया। उसने फोन प्राथमिक शिक्षा को उन क्षेत्रों में अनिवार्य करने के लिए जहां 6 से 7 वर्ष के कम 35% लड़के शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, शिक्षा की लागत तय करने के लिए राज्य सरकारें और स्थानीय प्राधिकरण अनिवार्य शिक्षा शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए केंद्र सरकार के तहत एक अलग शिक्षा विभाग स्थापित करने की आवश्यकता और प्रगति की निगरानी और बजट रिपोर्ट तैयार करने के लिए शिक्षा के लिए एक सचिव नियुक्त करने के लिए। सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया कि इस विचार पर विचार किया जाएगा, जिस पर गोखले ने प्रस्ताव वापस ले लिया। हालांकि सरकार ने केंद्र सरकार के तहत शिक्षा विभाग की स्थापना की और शिक्षा के लिए एक सचिव नियुक्त किया, मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मुख्य मांग को नजरअंदाज कर दिया गया। गोखले ने मार्च 1911 में एक बिल लाकर इस मुद्दे को उठाया।
चरणबद्ध तरीके से मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू करने के लिए। हालांकि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी ने खारिज कर दिया था, सरकार अपना संकल्प लेकर आई। 1913 में शिक्षा नीति। सरकार ने अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, लेकिन निरक्षरता को दूर करने की नीति को स्वीकार कर लिया और प्रांतीय सरकारों से गरीब और अधिक पिछड़े वर्गों को मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए शीघ्र कदम उठाने का आग्रह किया। इसके लिए निजी प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाना था और माध्यमिक विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार किया जाना था। प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया और विश्वविद्यालयों की शिक्षण गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना था। महिलाओं की शिक्षा के संबंध में यह सुझाव दिया गया था कि लड़कियों के लिए व्यवहारिक उपयोगिता का पाठ्यक्रम होना चाहिए और लड़कियों की परीक्षा को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। तथापि महिला शिक्षकों और निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917-1917 में भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की, जिसे आमतौर पर इसके अध्यक्ष माइकल सैडलर के नाम पर सैडलर आयोग कहा जाता है। आयोग की स्थापना कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन और रिपोर्ट के लिए की गई थी, लेकिन इसकी सिफारिशें कमोबेश अन्य विश्वविद्यालयों पर भी लागू थी। इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक पूरे क्षेत्र की समीक्षा की गई। इसका मत था कि विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए माध्यमिक शिक्षा में सुधार एक आवश्यक पूर्व शर्त थी। इसके अवलोकन इस प्रकार थे। 1. स्कूल का कोर्स 12 साल का होना चाहिए। विश्वविद्यालय में 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के लिए छात्रों को एक इंटरमीडिएट चरण मैट्रिक के बजाय के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश करना चाहिए। यह करने के लिए किया गया था। 1. विश्वविद्यालय स्तर के लिए छात्रों को तैयार करना। 2. नीचे की एक बड़ी संख्या के विश्वविद्यालयों को राहत दें। विश्वविद्यालय मानक छात्र और 3. विश्वविद्यालय स्तर के माध्यम से जाने की योजना नहीं बनाने वालों को कॉलेजिएट शिक्षा प्रदान करना। माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन और नियंत्रण के लिए माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षा का एक अलग बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए। 2. विश्वविद्यालय के नियमों को बनाने में कम कठोरता होनी चाहिए। 3. एक विश्वविद्यालय को एक केंद्रीकृत एकात्मक के रूप में कार्य करना चाहिए। आवासीय शिक्षण स्वायत्त निकाय बिखरे हुए के बजाय संबद्ध कॉलेज। 4. महिला शिक्षा, व्यवहारिक वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा, पेशेवर और व्यावसायिक कॉलेजों सहित शिक्षकों के प्रशिक्षण को बढ़ाया जाना चाहिए। 1920 में सरकार ने सैडलर की सिफारिश की। प्रांतीय सरकारों को रिपोर्ट करें। सैडलर आयोग की सिफारिशों का अगले कुछ दशकों में शिक्षा के विकास पर बहुत प्रभाव पड़ा। 1916 से 1921 की अवधि में 7 नए विश्वविद्यालय आए। मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और उस्मानी जल्द ही दिल्ली, आगरा और अन्नामलाई, मद्रास में जैसे और विश्वविद्यालय आए। अब तक अध्यापन डिग्री कॉलेजों का कार्य था और स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं था। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालयों के कार्य संबद्धता प्रदान करना, परीक्षा आयोजित करना और डिग्री प्रदान करना था। लेकिन अब शिक्षण विश्वविद्यालयों और आवासीय विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है। ऑनर्स पाठ्यक्रमों की शुरुआत के साथ विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शैक्षणिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। विभिन्न भारतीय भाषाओं का अध्ययन शुरू हुआ। उच्च अध्ययन और अनुसंधान के लिए सुविधाएं भी बनाई गईं। विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर का पद सृजित किया गया था। कलकत्ता और ढाका विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग खोला गया। विश्वविद्यालयों के आंतरिक प्रशासन में सुधार हुआ। पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षा और अनुसंधान जैसे मामलों से निपटने के लिए अकादमिक परिषद का गठन किया गया था।
इससे विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक स्तर में सुधार करने में मदद मिली। 1925 में विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी। पहली बार विश्वविद्यालयों में छात्र कल्याण एक महत्वपूर्ण मामला बन गया और प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। हालांकि उस समय के लिए बहुत उन्नत होने के लिए आयोग की सिफारिशों की आलोचना की गई है और उस समय मौजूद परिस्थितियों में सुझाई गई कई नई चीजें उपयुक्त नहीं थी। द्वैध शासन के तहत शिक्षा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत शिक्षा को प्रांतीय मंत्रालयों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकार ने शैक्षिकी मामलों में प्रत्यक्ष रुचि लेना बंद कर दिया, जबकि सरकारी अनुदान 1902 से उदारता पूर्वक स्वीकृत अब रोक दिया गया था। वित्तीय कठिनाइयों ने किसी भी पर्याप्त विस्तार को रोका, लेकिन फिर भी शिक्षा में वृद्धि हुई, खासकर परोपकारी प्रयासों के तहत। हार्टोग समिति 1929। स्कूलों और कॉलेजों की संख्या में वृद्धि के कारण शिक्षा मानकों में गिरावट आई है। शिक्षा पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक सहायक समिति के रूप में साइमन कमीशन द्वारा हार्टोग समिति की स्थापना की गई थी के मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें। समितियां इस प्रकार थी: प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा प्रणाली के अस्तित्व में होने के कारण इसमें गंभीर कमियां थी। प्राथमिक विद्यालयों का मात्रात्मक विस्तार पर्याप्त नहीं था, उनकी गुणवत्ता में सुधार जरूरी था। बहुत अपव्यय और ठहराव था। किसी भी स्तर पर स्कूल से बच्चों का वापस लेना एक अपव्यय था, क्योंकि खर्च किया गया पैसा और समय बच्चों को साक्षरता देने में विफल रहा था। बच्चों को वापस लेने के कारण मुख्य रूप से गरीबी, अज्ञानता, जातिगत अवरोध, धार्मिक रूढ़िवाद, मौसमी बीमारियां और कृषि विफलता थे। ठहराव का अर्थ है एक से अधिक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक ही कक्षा में बच्चों को रोकना। इसके चलते बच्चों को स्कूलों से वापस लेना पड़ा। इस तरह के ठहराव का कारण यह था कि ज्यादातर स्कूल सिर्फ एक शिक्षक द्वारा चलाए जाते थे, शिक्षक अच्छी तरह से योग्य नहीं थे, महिला शिक्षकों की कमी थी, स्कूल अक्सर कम रहते थे और स्कूल निरीक्षण की कमी थी। यह मानते हुए कि प्राथमिक स्कूल शिक्षा राष्ट्रीय महत्व की थी, समिति ने सिफारिश की कि प्राथमिक विद्यालयों के नियंत्रण और निरीक्षण के लिए सरकार जिम्मेदार होनी चाहिए। इसमें कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा 4 साल की होनी चाहिए। स्कूल का समय और पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो उस इलाके के वातावरण और परिस्थितियों के अनुकूल हो जहाँ वे हैं, और चुने गए विषयों का छात्रों के लिए व्यवहारिक मूल्य होना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए पुनश्चर्य पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम होने चाहिए। स्कूल निरीक्षण संख्या के साथ साथ दक्षता में भी वृद्धि होनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों को सामुदायिक केंद्रों के रूप में कार्य करना चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को वयस्क शिक्षा, चिकित्सा राहत और मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान कर सकें। माध्यमिक स्कूल शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा के दोषों में यह तथ्य शामिल था कि यह अत्यधिक परीक्षा उन्मुख थी और मैट्रिक परीक्षा में बड़ी संख्या में अनुत्तीर्ण हुए थे। इसने एक अधिक विविध पाठ्यक्रम शुरू करने की सिफारिश की। हाई स्कूलों में वैकल्पिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत से छात्रों को लाभ होगा, क्योंकि छात्र तब अपनी योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम चुन सकते थे। समिति ने औद्योगिक और वाणिज्यिक विषयों को शामिल करने की सिफारिश की। उच्च शिक्षा। यद्यपि समिति का ध्यान प्राथमिक शिक्षा पर था, इसने उच्च शिक्षा की स्थिति का भी मूल्यांकन किया। यह पाया गया कि शिक्षा का स्तर निम्न था, विश्वविद्यालयों और पुस्तकालयों में भीड़ भाड़ थी, सुसज्जित नहीं थे। समिति ने सुझाव दिया कि एकात्मक और आवासीय विश्वविद्यालयों के अलावा संबद्ध विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों की स्थिति में सुधार किया जाए, ऑनर्स पाठ्यक्रम खोले जाएं और छात्रों को योग्यता और योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाए।
समिति ने शिक्षित और उदार विचारों वाले व्यक्तियों को विकसित करने के महत्व पर जोर दिया जो जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम होंगे। डॉट महिला शिक्षा। महिला शिक्षा के संबंध में समिति ने सिफारिश की कि लड़के और लड़कियों की शिक्षा को समान महत्व दिया जाना चाहिए। लड़कियों के लिए और अधिक प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए और पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों में स्वच्छता, गृह विज्ञान और संगीत अध्यापन कार्य के लिए महिलाओं के प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए हरतोग समिति की रिपोर्ट एक हद तक प्रभावी थी, हालांकि मात्रात्मक विस्तार का सामना करना पड़ा। माध्यमिक शिक्षा में सुधार हुआ, संबद्ध कॉलेजों की संख्या भी ऊपर चला गया। शिक्षा की साजेंट योजना। भारत सरकार के शैक्षिकी सलाहकार सर जॉन साजेंट को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय शिक्षा के विकास के लिए एक ज्ञापन तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया था। उनका ज्ञापन 1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को सौंपा गया था। रिपोर्ट ने शिक्षा की मौजूदा स्थिति का विश्लेषण किया और भारत में शैक्षिकी विकास के लिए एक दीर्घकालिक योजना प्रदान की। इसने शिक्षा प्रणाली के पुनर्निर्माण की दिशा में निर्देशित कार्यक्रमों और योजनाओं का विवरण दिया। योजना का उद्देश्य इसकी शुरुआत के 40 वर्षों के भीतर भारत में सार्वभौमिक साक्षरता लाना था। रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें थी निम्नलिखित अनुसार। डॉट 3 से 6 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए निःशुल्क प्री प्राइमरी शिक्षा होनी चाहिए, जिसका उद्देश्य बच्चों को सामाजिक अनुभव देना है। इन नर्सरी स्कूलों में शिक्षकों को काम के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित महिलाएं होनी चाहिए। 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए सार्वभौमिक, अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए। इस समूह को 2 चरणों में विभाजित किया जाएगा, अर्थात जूनियर बेसिक 6-11 और सीनियर बेसिक 11-14। इस स्तर पर शिक्षा का मूल सिद्धांत गतिविधि के माध्यम से सीखना होना चाहिए। स्थानीय जरूरतों और परिस्थितियों के अनुकूल कुछ बुनियादी शिल्प या शिल्प सीखने पर जोर दिया जाना चाहिए। वरिष्ठ बुनियादी स्तर की गतिविधियों में शारीरिक प्रशिक्षण और संगठित खेल शामिल होने चाहिए। हाई स्कूल शिक्षा 6 की अवधि के लिए होनी चाहिए। 11 वर्ष की आयु से चयनित बच्चों के लिए वर्ष। चयनित छात्रों को औसत क्षमता से काफी ऊपर होना चाहिए और उच्च अध्ययन के लिए असाधारण योग्यता होनी चाहिए। शुल्क लिया जा सकता है, लेकिन छात्रवृत्ति भी होगी और गरीबों को छात्रवृत्ति मिल सकती है। उच्च विद्यालयों में 2 धाराएं होनी थी, शैक्षणिक और तकनीकी व्यावसायिक। शैक्षणिक क्षेत्र में हाई स्कूल कला और शुद्ध विज्ञान में शिक्षा प्रदान करेंगे, जबकि तकनीकी क्षेत्र में हाई स्कूल अनुप्रयुक्त विज्ञान और औद्योगिक और वाणिज्यिक विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करेगा। दोनों क्षेत्रों में पाठ्यक्रम में कला और संगीत शामिल होगा और सभी लड़कियों को घरेलू विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। सभी हाई स्कूलों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगी, जबकि अंग्रेजी अनिवार्य दूसरी भाषा होगी। छात्रों को 14 साल की उम्र तक स्कूल नहीं छोड़ना था। डॉट जहां तक विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रश्न है, चयन की उपयुक्त पद्धति के अभाव में बहुत से छात्र जो इसके योग्य नहीं थे, उन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा में प्रवेश लिया। परीक्षाओं को बहुत अधिक महत्व दिया गया था। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय डिग्री पाठ्यक्रम उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के बाद 3 वर्ष के लिए होना चाहिए। मौजूदा इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा मानक में सुधार किया जाना चाहिए और प्रवेश पद्धति को बदलना चाहिए, ताकि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को सक्षम छात्रों द्वारा लिया जा सके। गरीब छात्र वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। शिक्षकों को सक्षम होना चाहिए और उनकी सेवा शर्तों में सुधार होना चाहिए। स्नातकोत्तर अध्ययन और शुद्ध अनुप्रयुक्त अनुसंधान में एक उच्च मानक पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
विभिन्न विश्वविद्यालयों की गतिविधियों के समन्वय के लिए इंग्लैंड की विश्वविद्यालय अनुदान समिति की तर्ज पर एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की जानी चाहिए। साजेंट रिपोर्ट ने कई अन्य सिफारिशें की, जैसे कि 20 वर्षों में वयस्क निरक्षरता का परिसमापन, वयस्क शिक्षा जिसमें सामान्य या तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा शामिल होगी, न कि केवल साक्षरता, स्कूलों में छात्रों के लिए चिकित्सा जांच, शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए विशेष शिक्षा, रोजगार ब्यूरो की स्थापना। बेसिक शिक्षा की वर्धा योजना 1937। कांग्रेस ने अक्टूबर 1937 में वर्धा में एक अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया था। वहां पारित प्रस्तावों के आलोक में जाकिर हुसैन समिति ने बुनियादी शिक्षा के लिए एक विस्तृत राष्ट्रीय योजना तैयार की। इसे नई तालीम के नाम से जाना जाने लगा। इस योजना के पीछे मुख्य सिद्धांत गतिविधि के माध्यम से सीखना था। यह साप्ताहिक हरिजन में लेखों की एक श्रृंखला में प्रकाशित गांधी के विचारों पर आधारित था। गांधी ने सोचा था कि पश्चिमी शिक्षा ने शिक्षित कुछ लोगों और जनता के बीच एक खाई पैदा कर दी है और शिक्षित अभिजात वर्ग को भी अप्रभावी बना दिया है। गांधी ने कहा, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली न केवल बेकार है बल्कि सकारात्मक रूप से हानिकारक है। वे बुरी आदतों को उठाएंगे। अंग्रेजी ने उच्च शिक्षित कुछ और अशिक्षित लोगों के बीच एक स्थायी बाधा पैदा कर दी है। 7 से 14 वर्ष तक सभी के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की वकालत करने वाली इस योजना में निम्नलिखित प्रावधान थे। 1. पाठ्यक्रम में एक बुनियादी हस्तशिल्प को शामिल करना। 2. स्कूली शिक्षा के पहले 7 साल एक मुफ्त और अनिवार्य राष्ट्रव्यापी शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग होना, मातृभाषा के माध्यम से। 3. मातृभाषा में रहना सिखाना, हिंदी सिखाई जाएगी उन क्षेत्रों में जहां यह मातृभाषा नहीं थी। 4. सेवा के माध्यम से स्कूलों के आसपास के समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने के तरीके तैयार किए जाएं। 5. बुनियादी शिक्षा के मुख्य विचार को लागू करने की दृष्टि से तैयार की जाने वाली एक उपयुक्त तकनीक कताई और बुनाई, बड़िंगिरी, कृषि, मिट्टी के बर्तन, चमड़े के काम जैसे उपयुक्त शिल्प की उत्पादक गतिविधि के माध्यम से बच्चे को शिक्षित करना। लड़कियों के लिए गृह विज्ञान आदि। वी अध्ययन किए जाने वाले शिल्प के सामाजिक और वैज्ञानिक निहितार्थ। वी गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, पेंटिंग, संगीत और शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। वी कोई धार्मिक और नैतिक शिक्षा शामिल नहीं है। व्यवस्था शिक्षा के लिए एक पद्धति होने के बजाय एक नए जीवन और एक नए समाज के लिए एक विचार की अभिव्यक्ति थी। मूल आधार यह था कि ऐसी योजना से ही भारत एक स्वतंत्र और अहिंसक समाज बन सकता है। यह योजना बाल केंद्रित और सहकारी थी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत और कांग्रेस मंत्रालयों के इस्तीफे अक्टूबर 1939 के कारण इस विचार का अधिक विकास नहीं हुआ था। साजेंट योजना कई भारतीय शिक्षाविदों को स्वीकार्य नहीं थी, जिन्होंने महसूस किया कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए 40 वर्षों की अनुमानित अवधि बहुत लंबी थी। योजना को लागू करने की लागत भी अत्यधिक लग रही थी। भारत में शिक्षा प्राप्ति के समान स्तर का निर्माण करने का विचार जो इंग्लैंड में प्रचलित था, भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त होने के अलावा काल्पनिक और अव्यवहारिक माना जाता था। पीछे से कोई कह सकता है कि योजना यथार्थवादी थी और इसके बारे में कई अच्छे बिंदु थे, लेकिन योजना अपने समय से थोड़ी आगे थी। वर्नाक्युलर का विकास। शिक्षा 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्थानीय शिक्षा की स्थिति दयनीय थी। यह ज्यादातर धनी जमींदारों के योगदान पर निर्भर था। 1835, 1836, 1838 विलियम एडम की रिपोर्ट। बंगाल और बिहार में स्थानीय भाषा की शिक्षा ने बताई खामियां। स्थानीय शिक्षा की प्रणाली में
1843 माइनस 53 जेम्स जोनाथन के उत्तर पश्चिम प्रांतों यूपी में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में प्रयोगों में प्रत्येक तहसीलदारी में एक सरकारी स्कूल को मॉडल स्कूल के रूप में खोलना और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक सामान्य स्कूल शामिल था। स्थानीय स्कूलों के लिए 1853 लॉर्ड डलहौजी ने एक प्रसिद्ध मिनट में व्यक्त किया, स्थानीय शिक्षा के पक्ष में मजबूत राय। 1854 वुड्स डिस्पैच ने निम्नलिखित प्रावधान किए, स्थानीय शिक्षा के लिए 1. मानकों में सुधार, 2. सरकारी एजेंसी द्वारा पर्यवेक्षण, 3. शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए सामान्य स्कूल। इनसे स्थानीय शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। 1854-71 सरकार ने माध्यमिक और स्थानीय शिक्षा पर कुछ ध्यान दिया। स्थानीय विद्यालयों की संख्या में 5 गुना से अधिक की वृद्धि हुई। 1882 हंटर आयोग ने माना कि राज्य को विस्तार और सुधार के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए। स्थानीय शिक्षा, जन शिक्षा को इस रूप में देखा जाना था, स्थानीय भाषा के माध्यम से जनता को निर्देश देना। 1904 शिक्षा नीति ने पर विशेष बल दिया, स्थानीय भाषा शिक्षा और इसके लिए अनुदान में वृद्धि। 1929 हाटोक कमेटी ने एक उदास तस्वीर पेश की प्राथमिक शिक्षा का। 1937 इन स्कूलों को कांग्रेस के मंत्रालयों से प्रोत्साहन मिला। तकनीकी शिक्षा का विकास, रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1847 में हुई थी। 1856 में कलकत्ता कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना हुई। 1858 में पूना में ओवरसीज स्कूल को पूना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का दर्जा दिया गया और बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध किया गया। गिंडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध था। 1835 में कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के साथ चिकित्सा प्रशिक्षण शुरू हुआ। लॉर्ड कर्जन ने चिकित्सा, कृषि, इंजीनियरिंग, पशु चिकित्सा विज्ञान आदि के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के पूरे आधार को व्यापक बनाने के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने पूसा में एक कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जो एक के रूप में कार्य करता था। अन्य प्रांतों में समान संस्थानों की मूल संस्था। शिक्षा पर ब्रिटिश नीति का मूल्यांकन। 1. आधुनिक शिक्षा के विस्तार के लिए सरकार द्वारा किए गए अपर्याप्त उपाय भी परोपकारी के अलावा अन्य चिंताओं द्वारा निर्देशित थे। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार के उपाय से प्रभावित थे प्रबुद्ध भारतीयों, ईसाई मिशनरियों और मानवीय अधिकारियों द्वारा आधुनिक शिक्षा के पक्ष में आंदोलन। प्रशासन और ब्रिटिश व्यापारिक सरोकारों में अधीनस्थ पदों की बढ़ती संख्या को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षित भारतीयों की सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता। इस प्रकार प्रशासन और शिक्षा की भाषा के रूप में अंग्रेजी माध्यम पर जोर दिया गया। यह आशा कि शिक्षित भारतीय भारत में ब्रिटिश निर्माताओं के लिए बाजार का विस्तार करने में मदद करेंगे और एक उम्मीद है कि पश्चिमी शिक्षा भारतीयों को ब्रिटिश शासन से मिलाना, विशेष रूप से इसके रूप में ब्रिटिश विजेताओं और उनके प्रशासन का महिमामंडन किया। इस प्रकार अंग्रेज आधुनिक शिक्षा का उपयोग करना चाहते थे भारत में अपने राजनीतिक अधिकार की नींव को मजबूत करना। 2. भारतीय शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली धीरे धीरे समर्थन की कमी के कारण कम हो गई और विशेष रूप से 1844 के बाद जब यह घोषित किया गया कि सरकारी रोजगार के लिए आवेदकों को अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। 3. जन शिक्षा की उपेक्षा की गई जिसके कारण व्यापक निरक्षरता 1911-84% और 1921-92% हुई, जिसने शिक्षित कुछ और जनता के बीच एक व्यापक भाषाई और सांस्कृतिक खाई पैदा कर दी। 4. चूंकि शिक्षा के लिए भुगतान किया जाना था, इसलिए यह उच्च और धनी वर्गों और शहरवासियों का एकाधिकार बन गया। 5. महिलाओं की लगभग पूर्ण उपेक्षा थी शिक्षा, क्योंकि आय सरकार जगाना नहीं चाहती थी रूढ़िवादी वर्गों का क्रोध और इसका कोई तत्काल नहीं था।
औपनिवेशिक शासन के लिए उपयोगिता। 6. वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा की कुल मिलाकर उपेक्षा की गई। 1857 तक कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में केवल 3 मेडिकल कॉलेज थे और रुड़की में केवल एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज था जो केवल यूरोपीय और यूरेशियाई लोगों के लिए खुला था। सारांश: कंपनी शासन के तहत उठाए गए कदम, विभिन्न कॉलेज स्थापित, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत ओरिएंटलिस्ट एंग्लिकन विवाद, मैकॉले का मिनट, थॉमसन के प्रयास, 1854 का वुड्स डिस्पैच। आफ्टर द क्राउन टेक ओवर, हंटर एजुकेशन कमीशन, 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, शिक्षा नीति 1913 पर सरकारी संकल्प, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917-19, द्वैत शासन के तहत शिक्षा, हरतोग समिति 1929, वर्धा योजना, साजंट योजना 1944, वैमकुलर शिक्षा का विकास, तकनीकी शिक्षा का विकास, ब्रिटिश नीति का मूल्यांकन।